नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम गहिरे और आज के जो है चैप्टर 8 में जो है हम वीडियो कार्ड के बारे में देखेंगे, जिसे ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। तो जैसे कि हमने चैप्टर 7 में जो है साउंड कार्ड के बारे में देखा था दोस्तों, तो उसी तरह हम जो है आज के वीडियो में चैप्टर 8 में जो है वीडियो कार्ड के बारे में देखेंगे, जिसे ग्राफिक कार्ड कहा जाता है। तो वीडियो कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दो पॉइंट्स। जैसे कि हम रेगुलरली देखते हैं कि वीडियो कार्ड क्या है और वीडियो कार्ड जो है कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो कार्ड क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ग्राफिक कार्ड भी साउंड की तरह ही है, मतलब जो वीडियो कार्ड है ये उसे ग्राफिक कार्ड कहा जाता है। तो ग्राफिक कार्ड भी साउंड कार्ड की तरह ये एक है। तो इसे जो है कंप्यूटर में लगाए जाने वाला ये भी एक बाहरी हिस्सा है, जैसे कि साउंड कार्ड होता है, तो जिसका डिजिटल ग्राफिक के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ग्राफिक कार्ड का ये भी साउंड कार्ड की तरह जो है PCI स्लॉट में लगाया जाता है, मतलब कि पेरिफेरल ये कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट में जो है लगाया जाता है मदरबोर्ड पर। ठीक है दोस्तों, और इसमें वीडियो के लिए भी अलग पोर्ट होता है दोस्तों, जिसे हम VGA कहते हैं, मतलब वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, VGA पोर्ट जो है वीडियो के लिए उसे अलग लगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं VGA, मतलब वीडियो ग्राफिक पोर्ट, उस पोर्ट को। ठीक है, और ये वीडियो कार्ड जो है दोस्तों 3D गेमिंग और ज़्यादा ग्राफिक के गेम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत यूज़फुल होता है। वहाँ पर जो हाई क्वालिटी के गेमिंग्स होते हैं, जो ग्राफिक के जो ज़्यादा ग्राफिक के गेम्स वगैरह होते हैं वीडियो कार्ड, तो वहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों, तो ये था वीडियो कार्ड क्या है, ग्राफिक कार्ड क्या है। ओके, तो सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफिक कार्ड कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया ग्राफिक कार्ड डिजिटल ग्राफिक के लिए लगाया जाता है दोस्तों। तो ये जो है हम जब कंप्यूटर पर कोई ज़्यादा ग्राफिक का गेम खेलते हैं, तो ये ग्राफिक कार्ड हमें उस गेम का फाइनल आउटपुट जो है दोस्तों डिजिटल फॉर्मेट में देता है। आप समझ रहे हो ना, हम जब कोई गेम खेलते हैं तो उसका जो फाइनल आउटपुट है, हाई क्वालिटी का जब जो गेम खेलते हैं हम, उसका फाइनल आउटपुट हमें डिजिटल फॉर्मेट में देता है दोस्तों, ये जो हमारे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर हम कोई वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये सेम करता है, काम करता है डिजिटल ग्राफिक का इनपुट देने के लिए। ओके, या फिर जब हम कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, डेस्क ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तब उसका इनपुट जो है पहले मदरबोर्ड को जाता है दोस्तों, फिर मदरबोर्ड से होकर वो प्रोसेसर को मिलता है, फिर प्रोसेसर उसके बारे में सोचकर उसका फाइनल आउटपुट जो है वो ग्राफिक कार्ड को भेजता है, मतलब के वीडियो कार्ड को भेजता है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ओके, तो उसे आउटपुट जो है ग्राफिक कार्ड को देने के बाद में, फिर ग्राफिक कार्ड उसकी डिजिटल ग्राफिक बढ़ाने का काम वहाँ पर करता है, और डिजिटल ग्राफिक बढ़ाकर जो है उसका आउटपुट जो है मदरबोर्ड को देता है दोस्तों, और मदरबोर्ड की मदद से फिर उसका फाइनल आउटपुट जो है, डिजिटल आउटपुट जो है वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो जो है ये ग्राफिक कार्ड जो है इस तरह से काम करता है। ओके दोस्तों, तो ये था पॉइंट ग्राफिक कार्ड कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे।